तो दशहरा रैली को लेकर ठाकरे और शिंदे गुट के बीच संघर्ष बढ़ते जा रहा है। बीएमसी से अनुमति नहीं मिलने के बाद अब बॉम्बे हाई कोर्ट में दोनों गुट आमने सामने हैं। शिवसेना के ठाकरे गुट की याचिका पर आज बॉम्बे हाई कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। शिवाजी पार्क में दशहरा रैली करने को लेकर शिंदे और ठाकरे गुट दोनों ही आक्रामक है और एग्रेसर है। दोनों ही चाहते हैं कि हमें अनुमति मिले शिवाजी पार्क में दशहरा रैली करने को लेकर। आज कोर्ट में इसी याचिका को लेकर सुनवाई है। कोर्ट क्या फैसला सुनाता है इस पर सबका ध्यान है कि कोर्ट किसके हक में फैसला लेता है, या मनपा के साइड रहता है कोर्ट, या ठाकरे गुट को अनुमति देता है शिवाजी पार्क में दशहरा रैली करने को लेकर। कल मनपा ने कानून व्यवस्था का हवाला देते हुए किसी भी गुट को शिवाजी पार्क में दशहरा रैली करने की अनुमति नहीं दी थी। हालांकि शिंदे गुट को बीकेसी में दशहरा रैली करने की अनुमति मिल चुकी है, वहीं ठाकरे गुट को बीकेसी में भी अनुमति नहीं मिली है। उनकी याचिका को एमएमआरडीए ने खारिज कर दिया, क्योंकि बीकेसी के दो मैदान में से एक मैदान को पहले से ही किसी प्राइवेट कंपनी ने बुक कर लिया था, वहीं दूसरे मैदान पर शिंदे गुट ने पहले से याचिका डाल दी थी, इसलिए उन्हें वो ग्राउंड मिल गया। और अभी तक ठाकरे गुट को कोई मैदान नहीं मिला है, इसी वजह से ठाकरे गुट ने बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। आज इसी मसले पर सुनवाई है। फैसला किसके हक में आता है? बीएमसी के फैसले के साथ जाता है कोर्ट, या ठाकरे गुट को अनुमति देता है, शिंदे गुट को अनुमति देता है? ये तो कोर्ट के फैसले से ही साफ होगा। मेट्रो भारत ऐप अब आ गया है हम सबके बीच देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ। होम पेज पर आपको सभी खबरें देखने मिलेंगी। अपने हिसाब से न्यूज की कैटेगरी चुनिए, एक टच पर वीडियो देखिए, एक क्लिक पर सभी खबरें जानिए। हर समय हर जगह आपके फिंगर टिप्स पर मौजूद रहेगा मेट्रो भारत। मेट्रो भारत ऐप अभी डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से।